हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज मैं आपको लेके आई हूँ सेक्टर 82 में आपके लिए, एयरपोर्ट रोड पे आपके लिए 3 BHK लेके। इसमें हमारे पास थ्री थ्री बी एच के टू वॉशरूम्स के साथ है, 3 BHK थ्री वॉशरूम के साथ और 4 BHK तीनों का कंसेप्ट है। तो फ्लैट का टूर मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। सबसे पहले एक टावर पे आपके 4 फ्लैट रहेंगे, 3 आपकी इसमें लिफ्ट्स रहेंगी, 2 आपकी इसमें लिफ्ट्स रहेंगी जो पैसेंजर लिफ्ट्स है, और 1 आपकी कार्गो लिफ्ट रहेगी। 2 स्टेयरकेस रहेंगी फ्लैट के, 1 फ्लैट पे 4 फ्लैट रहेंगे। एंटर करते ही फ्लैट के सबसे पहले आपको ये वुडन डोर मिलेगा, उसके साथ आपको ये बायोमेट्रिक लॉक मिलेगा। एंटर करते ही फ्लैट के सबसे पहले आपका ये एरिया, मैं आपको बता दूं ये एरिया आपका ओपन रहने वाला है। बट आप, हमने आपको ये बताया एक आप ऐसा कंसेप्ट बना सकते हो लाइक योर पूजा रूम, आप टेम्परेरी वॉल दे के पूजा रूम या स्टोर रूम आप इसको एज अ बना सकते हो। सो दिस इज अ ड्रॉइंग एरिया। ड्रॉइंग एरिया काफी स्पेशियस है। अभी यहाँ पर आपको 7 सीटर सोफा लगा है, बट आप यहाँ 8 सीटर और 10 सीटर बहुत आराम से लगा सकते हो। बिल्कुल सामने आपके LED पैनल्स लगे हुए हैं, और इसके बिल्कुल ही सामने आप डाइनिंग स्पेस देख सकते हो, बिल्कुल ही सेपरेट है। फॉल सीलिंग लाइट्स आपको एज इट इज मिलेंगी जैसी आप देख रहे हो। उसके बाद ये आपको बालकनी दिखाती हूँ। 6 फीट इसकी विड्थ है, आप बालकनी देख सकते हो इसकी कितनी स्पेशियस है। और इसमें आपको हर रूम पे किचन हो, चाहे आपका बेडरूम हो, चाहे आपका लिविंग डाइनिंग हो, हर एक के साथ आपको अटैच बालकनी मिल रही है। तो दिस इज़ अ डाइनिंग एरिया, ड्राइंग से बिल्कुल ही सेपरेट आ जाता है। डाइनिंग के बिल्कुल सामने आ जाती है आपकी प्यारी सी किचन। किचन आपको एज इट इज़ मिलने वाली है विदाउट एनी चेंजेस। चेंजेस आपको स्टोव, गैस, होब, ये आपको एज इट इज़ इसमें मिल रहा है, बट ये चीज़ें हम आपको इंक्लूड नहीं दे रहे हैं, बट इसके लिए आपको प्रोविज़न दिया हुआ है। उसके बाद 2 सिंक्स आएंगे इसमें। बहुत ही सुंदर ये किचन डिज़ाइन हुआ है, एज इट इज़ आपको कोई इसमें चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस हैं वो मैंने मैंशन कर दिए, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। इसके साथ ही आ जाता वॉशिंग एरिया। ये आपका वॉशिंग एरिया आप देख सकते हो बिल्कुल ही सेपरेट है। आप भी एक छोटी सी वॉल देके यहाँ टेम्परेरी चीज को सेपरेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, बिकॉज ये आपकी किचन के साथ भी अटैच बालकनी है और एक आपके रूम के साथ भी रहेगी। सो लेके चलती हूँ आपको इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी बनाया है, आप इस तरीके से कुछ बना सकते हो, आप अपनी कुछ पर्सनल चीजें यूटिलाइज करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। एंड दिस इज योर फर्स्ट रूम। रूम बहुत स्पेशियस है, बेड लगाकर भी आप साइजेस देख रहे हो रूम के काफी बड़े हैं। इसके साथ जो मैंने आपको अभी बालकनी दिखाई, वो बालकनी आपकी इसके साथ अटैच रहेगी। आप बालकनी का साइज दिखा सकते हो। रूम के अंदर आपका कपबोर्ड स्पेस नहीं है, जो आपका कपबोर्ड स्पेस रहेगा वो आपका वॉशरूम के अंदर ही रहेगा। वॉशरूम के साइजेस भी स्लाइडिंग आपको कपबोर्ड इसमें मिल रहे हैं, वॉशरूम के साइजेस आप देख सकते हो। उसके बाद लेके चलती हूँ आपको इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। जो अभी मैं आपको फ्लैट दिखा रही हूँ ये 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम्स वाला कंसेप्ट है। तो ये आपका सेकंड बेडरूम है जो कि आपका मास्टर बेडरूम रहेगा, जिसमें वुडन टाइल्स हैं आपकी। इसके बाद इसके वॉशरूम का साइज भी आप दिखा सकते हो, एज इट इज सेम वॉशरूम है, कोई चेंजेस नहीं है वॉशरूम्स में। और इसके साथ भी आपकी एक अटैच बालकनी है। बालकनी का साइज एक्चुअल रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा कि हम आपको सैंपल में कुछ और साइज बता रहे हैं और एक्चुअल में कुछ और साइज है, नहीं, इनके दोनों के साइजेस बिल्कुल सेम है। ये आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा आपके थर्ड रूम के साथ, जो कि एज आप किड्स रूम यूज कर सकते हो या गेस्ट रूम यूज कर सकते हो। ये आपका थर्ड बेडरूम का साइज है। इसमें हमने आपको कबर्ड का प्रोविजन जो है वो अंदर दिया हुआ है। इसके साथ जो आपको मैंने अभी बालकनी दिखाई मास्टर बेडरूम की, उसकी बालकनी और इसकी बालकनी कॉमन रहेगी आपकी। वेंटिलेशन बोथ साइड, ये फ्लैट ओपन है वेंटिलेशन पर्पज से। ये फ्लैट बहुत सुंदर है, बहुत ही वेंटिलेटेड फ्लैट है। तो आई होप आप सबको ये फ्लैट पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ भी इंक्वायरीज हैं, आप साइट विजिट करना चाहते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।